बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आज फिर नौबतपुर पहुंच गए। तरेत पाली में आज विभिन्न लोगों से मुलाकात के दौरान उन्होंने जो उनका पूर्व नियोजित कार्यक्रम था उसके तहत जनता के अर्जी को भी सुनने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। लेकिन इस बीच पिछले दो दिनों से उनके आगमन के बाद से जो घटनाक्रम हुई हैं वो लगभग इशारा कर रही हैं कि बिहार में इस मुद्दे पर भी जमकर राजनीति हुई है और होने वाली भी है। जहाँ एक तरफ राजद की तरफ से मोर्चा संभालते हुए तेज प्रताप यादव ने बाबा को ढोंगी और पाखंडी तक कह दिया और उन पर यह भी आरोप लगाया कि यदि वो बिहार आकर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करेंगे या विद्वेष फैलाएंगे तो उनकी जो सेना है DSS वो बाबा को ठिकाने लगा देगी। ऐसी परिस्थितियाँ में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या राजद जो पूरी तरीके से तेज प्रताप यादव बात बोल रहे हैं उससे सहमत है। तो कहीं ना कहीं राजद के विभिन्न नेता ने इस मुद्दे पर प्रवक्ताओं ने बयान दिया है। शक्ति यादव ने बाबा को बहुत कड़े लहजे में समझाया है कि जिस तरीके से वो पूरे देश में घूम घूम कर हिंदू मुस्लिम करते रहे हैं बिहार में ऐसे करने की चेष्टा न करें। लालू परिवार इस मुद्दे पर थोड़ा बटा हुआ भी नजर आता है क्योंकि आज ही खबर आई कि बाबा ने बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव से मुलाकात की, कहीं ना कहीं गुहार लगाई तो उसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। अब तेजस्वी यादव की जहां मुलाकात होने जा रही है बाबा से, वहीं उनके भाई तेज प्रताप यादव बाबा के खिलाफ अभी भी कायम है। इस बीच उनकी जो बहन है उन्होंने भी बाबा से अर्जी लगाई थी, ऑनलाइन माध्यम से ही उन्होंने बाबा से अर्जी लगाई और ये कहा कि बाबा यदि आप बिहार के विशेष राज्य का दर्जा, जो लंबित पड़ी हुई मांग है, उसे पूरी करा देते हैं तो मैं आपको परम बाबा मानूंगी और आपके श्री चरणों में लगातार हम बैठे रहेंगे। इस पूरे मामले पर अब तक राजद का जो स्टैंड रहा है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा है, स्पष्ट मंतव्य नहीं आ पाया है। जहां कई नेताओं ने कहा है कि आस्था निजी विषय होता है, वहीं राजद की तरफ से तेज प्रताप तेजस्वी यादव के विचार बिल्कुल विभिन्न भिन्न आ रहे हैं। आज ही तेजस्वी यादव ने यह भी बयान दिया कि कर्नाटक में हनुमान जी वर्सेस भाजपा हो गया, हनुमान जी ने भाजपा को अपनी गदा से कर्नाटक में समाप्त कर दिया। अब ऐसी स्थिति में तेज प्रताप यादव के बयान को पार्टी कैसे लेती है ये बड़ा अपने आप में कन्फ्यूज़न है क्योंकि इसको लेकर रालोसपा के जो प्रवक्ता हैं चंदन सिंह, उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे कि क्या तेजस्वी और तेज प्रताप में आपस में फिर नहीं पट रहा है, क्या दोनों अलग अलग विचारों को मानने लगे हैं क्या। इसी सवाल पर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया का रुख किया और ट्विटर के माध्यम से एक ट्वीट करके उन्होंने एक बाबा की तस्वीर साझा की है। आप वो तस्वीर अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तेज प्रताप यादव लिखते हैं, मेरा जन्म इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है, मेरे पिताजी अक्सर इनका दर्शन करने जाया करते थे। ये हैं अस्ति वास्तविक बाबा, ब्रह्मविलीन, ब्रह्मर्षि, योगिराज, देवराहा बाबा, सिद्ध योगी संत। इन संत की तस्वीर साझा करके उसके साथ अपनी भी इस तस्वीर उन्होंने साझा की है और तेज प्रताप ये दावा कर रहे हैं कि इन्हीं के आशीर्वाद से तेज प्रताप यादव का जन्म हुआ था और उनके पिता अक्सर इनका दर्शन करने जाया करते थे। आप अच्छे से जानते हैं कि तेज प्रताप ने कहीं ना कहीं अपने पिता की राजनीति के उलट बयान दिया था। पूर्व में हमने कई बार देखा है कि अलग अलग बाबाओं से लालू प्रसाद यादव मुलाकात करते रहते थे, बहुत धार्मिक थे, लेकिन तेज प्रताप यादव का ये बयान कहीं ना कहीं लालू यादव के उस विचारधारा के लगभग खिलाफ जा रहा था, इसीलिए कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। लेकिन अब तेज प्रताप यादव ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो साधु संतों को मानते हैं, वो धर्म में भी जबरदस्त आस्था रखते हैं, लेकिन बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से उन्हें खासा परहेज है। उसका कारण तो उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर उनका विवादित बयान आता रहता है, जो हिंदू मुस्लिम है मुद्दों उस पर उनका बयान आता रहता है, जिस तरीके से चमत्कार के नाम पर ढोंग करते हैं, इन सब चीज़ों से उन्हें परहेज है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।